हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ सेवन ईफेड्स के बारे में पढ़ा था जब हम सेवन टिब्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो हल्का सा इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल में दो टाइप की सेल्स होती हैं अंदर की तरफ एक होती है सोमैटिक सेल जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स जिनको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं ये स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और जब तक स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट नहीं हो जाता स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल में अंदर घुसा हुआ रहता है यानी कि वी कैन से दैट द हेड ऑफ द स्पर्म इज अटैच विद द सर्टोली सेल the next type of cell is associated with the seminiferous tubule is spermatogonia the spermatogonia is germ cell or we can say that this particular cell divide and form spermatozoa टिब्यूल के बाहर प्रेजेंट होती है लेडिग सेल्स जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल करती है टेस्टोस्टिंगल हॉर्मोन दैट इज ओनली टेस्टोस्टिरोन इट इज अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज ह्यूमन

Vesicle. Next is prostrate gland. The next is prostate gland. Third is copper's gland. Copper's ग्लैंड तो ये तीनों हो गए एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब ये जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे सेमिनल प्लाज्मा ये ग्लैंड हैं और ये जो भी अपना सिक्रीशन बनाएंगे और ये जो सिक्रीशन स्पर्म के साथ ऐड होगा तो उसको हम सीमन बोलेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे बट ये तीनों ग्लैंड मिलके जो फ्लूड बनाते हैं उसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनल वेसाइकल की तो सेमिनल वेसाइकल जो है वो क्या काम करता है और कौन सा फ्लूड बनाता है और इसकी लोकेशन कहाँ पे तो सबसे पहले सेमिनल वेसाइकल है इट इज ये प्रेजेंट है एक सेमिनल वेसाइकल ये प्रेजेंट है दिस इज वन सेमिनल वेसाइकल एंड दिस वन इज द सेकेंड वन सो वी कैन से ग्लैंड किस टाइप का ग्लैंड है, of, पे है? ये पेयर्ड ग्लैंड दिस पेयर्ड ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ पे लोकेटेड है इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ये यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे लोकेटेड है सेकेंड इंपॉर्टेंट बात अब ये बनाता क्या है ये बनाता है सेमिनल फ्लूड इट सिक्रीट सेमिनल फ्लूड वॉट इज द नेचर ऑफ द सेमिनल फ्लूड दिस इज विस्कस एल्कलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इट इज विस्कस एल्कलाइन फ्लूड ये किस नेचर का है विस्कस एल्कलाइन फ्लूड है अब ये सेमिनल प्लाज्मा का कितना पोर्शन बनाता है सो इट फॉर्म टू थर्ड पोर्शन ऑफ ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा का ये टू थर्ड पोर्शन बनाता है अब इस टू थर्ड पोर्शन में ये जो सब्सटेंसेस बनाता है या जो भी अपने सिक्रीशन ऐड करता है इस सिक्रीशन में क्या क्या प्रेजेंट है तो इस सिक्रीशन में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है सो इट कंटेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमिनल फ्लूड द सेमिनल फ्लूड कंटेन फ्रक्टोज वॉट इज द रोल ऑफ द फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म फाइबरिनोजन एंड प्रोस्टा ग्लैंड ये सारी चीजें बनाता है सेमिनल वेसाइकल सेमिनल वेसाइकल ये सारी चीजें बनाता है इसको बोलते हैं हम सेमिनल फ्लूड जो कि टू थर्ड पोर्शन है सेमिनल प्लाज्मा का और तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन को सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है द नेक्स्ट ग्लैंड इज नोन एज जो नेक्स्ट ग्लैंड है उसको हम बोल रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड प्रस्टेट ग्लैंड जैसा कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है ये पूरा पोर्शन प्रोस्टेट ग्लैंड है तो ये कहाँ पे लोकेटेड है कहाँ है यूरनरी ब्लैडर के नीचे सो वॉट इज द लोकेशन इट इज बिलो इट इज बिलो यूर ब्लैडर ये यूरेनरी ब्लैडर के नीचे लोकेटेड है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये लोकेशन के साथ साथ किसके अराउंड प्रेजेंट है और सिंगल है कि डबल है तो सबसे पहले ये सिंगल लार्ज ग्लैंड है इट इज अ सिंगल एंड इट इज अ लार्ज हमें दिख भी रहा है बड़ा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड और सिंगल ग्लैंड है इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है

टिक फ्लूड क्या बनाता है ये प्रोस्टेटिक फ्लुइड कितना पोर्शन है ये है वन थर्ड पोर्शन दिस इज द वन थर्ड पोर्शन ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा का वन थर्ड पोर्शन है किस नेचर का है मिल्की एल्कलाइन फ्लूड है किस नेचर का है इट इज मिल्की एल्कलाइन मिल्की

फिब्रिनो लाइसिन अब ये प्रोफिब्रीनो लाइसिन का क्या फंक्शन है ये हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये सारे काम किसके हो गए प्रोस्टेट ग्लैंड के हो गए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर्स ग्लैंड कॉपर्स ग्लैंड को एक और नाम दिया जाता है बेल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये जो बेल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ये कहां पे प्रेजेंट है और कितने हैं नंबर में इट इज पेयर्ड ये स्मॉल हैं पेयर्ड है हमें दिखाई भी दे रहे हैं दो छोटे छोटे ग्लैंड हैं जो कि पेयर्ड ग्लैंड हैं दे आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वन ऑन ईच साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथरा मेम्ब्रेनस यूरिथरा के दोनों तरफ एक एक प्रेजेंट है अब इनका काम क्या है इनका मेन काम है कि ये जो भी बना रहे हैं वो ल्यूब्रिकेट कर रहा है तो इनका काम है ल्यूब्रिकेशन का ल्यूब्रिकेट करना ल्यूब्रिकेशन का काम है सेकेंडली जो ये सब्सटेंस सिक्रिएट कर रहे हैं वो डायरेक्टली कहां जाएगा पिनाइल यूरिथ्रा में जाएगा तो दि दिस इज पिनाइल यूरिथ्रा अभी जो पिनाइल यूरिथ्रा है इस यूरिथ्रा में क्या कॉमन है इट इज कॉमन फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन ये यूरिन और स्पर्म के लिए या सीमन के लिए कॉमन डक्ट है तो जब यहां पे स्पर्म्स आएंगे तो उस वक्त यूरिन नहीं होना चाहिए बट कुछ पोर्शन ऑफ द यूरिन इज रिमेनिंग हियर, तो ये क्या करते हैं कॉपर्स ग्लैंड ये कॉपर्स ग्लैंड न्यूट्रलाइज़ करते हैं यूरिन के एसिडिक नेचर को सो दे न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ द यूरिन यूरिन के एसिडिक नेचर को क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं तो हमने तीन ग्लैंड्स पढ़े कौन कौन से सेमिनल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स एंड बेल्बो यूरिथल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड और ये तीनों मिलके जो सब्सटेंस सिक्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा अब ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये क्या काम करेगा ये स्पम को एनर्जी भी देगा स्पम्स के साथ साथ स्पम्स क्या है नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के और उन बॉडी सेल्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी देने का भी काम करेंगे इसके साथ साथ जब स्पम बनते हैं स्टोर होते हैं तो जब स्पम स्टोर हो जाते हैं तो एक पर्टिकुलर पोर्शन है मैंने आपको दो जगह बताई थी एक तो एपीडीडाइमिस एक यहाँ पे जो एम्प्युला है वहां पे भी स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं इट इज अ रिजर्वोयर ऑफ द स्पर्म एट द टाइम ऑफ इजेकुलेशन स्पर्म इज इजेकुलेटेड फ्रॉम द बॉडी अब जब स्पर्म इजेकुलेट होते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं सीमन के फॉर्म में होते हैं तो व्हाट इज सीमन सीमन इज द स्पर्म प्लस द सीक्रेशन ऑफ ऑल द थ्री ग्लैंड्स तो सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म इज नोन एज सीम इन तीनों के सिक्रेशन को स्पर्म के साथ जब मिक्स किया जाएगा तो उस फ्लूड को क्या बोलेंगे सीमन तो एक कॉमन भाषा में सीमन को कैसे समझाएंगे सीमन इज अ न्यूट्रेटिव फ्लूड एंड दिस फ्लूड प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म इट प्रोवाइड मिल्की नेचर टू द स्पर्म इट न्यूट्रिलाइजेज इट एज वेल एज लुब्रिकेशन का काम भी करता है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए भी रिस्पांसिबल है और मिल्की नेचर भी प्रोवाइड करता है तो बहुत सारे काम करता है सेमिनल प्लाज्मा अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जब हम बात करते हैं सीमन की तो इसका पीएच कितना है इट इज 7.3 टू 7.5 पीएच यानी कि अल्कलाइन पीएच होगा तो अल्कलाइन पीएच किसने दिया सेमिनल प्लाज़्मा ने दिया नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पर्म्स इजैक्यूलेशन के टाइम कितने रिलीज होंगे सो इन अ सिंगल इजैक्यूलेशन 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स आर इजैक्यूलेटेड बाय अ मेल नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म लाइक एजो स्पर्मिया कुछ कंडीशंस होती हैं द फर्स्ट कंडीशन इज एजोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया का मतलब है सीमन में एब्सेंस ऑफ स्पर्म एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन। यानी कि सीमन तो है बट उसमें स्पर्म जो है वो ना के बराबर है नेक्स्ट इज एस्थिनो स्पर्मिया एस्थिनो वो कंडीशन है जहां पे स्पर्म प्रेजेंट है बट उनकी मोटालिटी रिड्यूज है सो हियर द कंडीशन इज रिड्यूस मोटालिटी ऑफ स्पर्म्स स्पर्म्स की मोटालिटी रिड्यूज है एज यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट स्पर्म इज द सेल हैविंग हेड

यहां पे हम क्या बोलेंगे कि मॉर्फोलॉजिकली जो स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं तो चेंज इन द मॉर्फोलॉजी और हम कह सकते हैं एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म्स स्पर्म्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी क्या होता है कैसा दिखता है कोई भी सामने से बाहर से जो चीज जैसे दिखते है वो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है तो बाहर से देखने में स्पर्म की जो एक्सटर्नल है वो एबनॉर्मल है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे टेराटो स्पर्मिया तो ये कुछ कंडीशंस हो गई कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में जो सीमन है उसमें स्पर्म काउंट कैसा हो सकता है स्पर्म की मोर्टेलिटी रिड्यूस हो सकती है तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज जब हम पिन की बात करते हैं तो पिनस इज अ मेल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन और इजैक्यूलेटरी ऑर्गन इट इज अ इट इज अ अप्यूलेटरी ऑर्गन और इट इज अ अजैक्यूलेट्री ऑर्गन इसका जब इजैक्युलेट्री ऑर्गन की बात करते हैं तो हम बात कर चुके हैं कि इजैक्यूलेट कर रहा है और किसको इजैक्यूलेट कर रहा है सीवन को इजैक्यूलेट कर रहा है और इजैक्युलेशन में कितने स्पर्म्स इजैक्युलेट होंगे 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्युलेटेड पर टाइम एक समय में इतने स्पर्म्स इजैक्युलेट होंगे अब जब हम बात करते हैं पीनस की तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन है कॉप्यूलेट्री ऑर्गन है इसका नेचर होने का जो कारण है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज या फिर हम कह सकते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज सो हियर इरेक्टाइल टिश्यूज आर प्रेजेंट एंड दीज इरेक्टाइल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन कॉलम्स कॉलम्स में प्रेजेंट रहते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज इसी के साथ साथ यहाँ पे नर्व सप्लाई भी होती है यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होती है और यहाँ पे ब्लड सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव भी होता है और डी ब्लड बाहर भी जाता है तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए यहाँ पर भी पूरे चैनल्स बने हैं तो यहाँ पर इस व्यू में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे नर्व सप्लाई है और इस नर्व सप्लाई के साथ साथ यहां पे ब्लड सप्लाई भी है तो इसी चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्लड सप्लाई और किस तरीके से नर्व सप्लाई आती है और यहां पे इरेक्टाइल टिश्यूज के नाम क्या क्या हैं तो यहां पे इसका सेक्शन हमने लिया है दिस इज द क्रॉस सेक्शन इस क्रॉस सेक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले इरेक्टाइल टिश्यूज कौन कौन से हैं तो इरेक्टाइल टिश्यू के दो कॉलम है दिस इज द वन कॉलम एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम बिल्कुल सेग्रीगेटेड हमें दिखाई दे रहे हैं दो कॉलम्स हैं, एक पर्टिकुलर इरेक्टाइल टिश्यू के और इस टिश्यू का नाम है कॉर्पोरा कैवर कॉर्पोरा कैवर नोसम तो ये वाला जो इरेक्टाइल टिश्यू है इसको हम बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर नोसम ये दो कॉलम्स में प्रेजेंट है एक इधर और एक इधर नेक्स्ट जिस टिश्यू की हम बात करेंगे इरेक्टाइल टिश्यू की इसका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इसका सिंगल कॉलम प्रेजेंट है इसका कितना कॉलम प्रेजेंट है सिंगल कॉलम प्रेजेंट है इसी के साथ साथ यहां पे है दिस इज आर्टरी दिस इज वेन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है वेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है यहां पे भी आर्टरी प्रेजेंट है सेंटर में यहां सेंटर में भी आर्टरी प्रेजेंट है ये बिल्कुल सेंटर में यहां पे भी आर्टरी है यहां पे भी आर्टरी है इसी के साथ साथ यहाँ पे वेन प्रेजेंट है अब यहां पे जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है ये कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच में प्रेजेंट होता है यूरिथ्रा दिस इज पिनाइल यूरिथ्रा ये कौन सा यूरिथ्रा है पिनाइल यूरिथ्रा है इसी के साथ साथ यहाँ पे लिम्फेटिक सप्लाई और नर्व सप्लाई भी होती है तो यहां पे हमने सेक्शन देख लिया कि किस तरीके से होता है इस सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इरेक्टाइल टिश्यू और ये इरेक्टाइल टिश्यू इसको इरेक्टाइल नेचर प्रोवाइड करते हैं और जो इसकी इरेक्टिबिलिटी है वो किससे कंट्रोल होती है वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है इसीलिए यहाँ पे नर्व सप्लाई भी प्रेजेंट है अब हम बात करेंगे इंटरनल की हम बात कर चुके हैं और यहां पे थोड़ा सा हम एक्सटर्नल की भी बात करेंगे एक्सटर्नली ये फोर स्किन प्रेजेंट है दिस इज फोर स्किन एंड दिस फोर स्किन इज नोन एज परप्यूस इस फोर स्किन को हम क्या बोलते हैं परप्यूस दिस इज द folded tissue actually or it is a folded loose skin and this folded loose skin is known as perpyuse next is the tip of the penis is enlarged and this enlarged tip is known as glans penis this enlarged part is known as glans penis तो ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल पार्ट और ये हो गया इसका इंटरनल पार्ट और इस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिला के हमने पूरा का पूरा जो है पीनस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है अब जब हम बात करते हैं कि पीनस की स्किन को रिमूव किया जाता है कहीं कहीं जगह रिचुअल्स होते हैं कि पिनस की स्किन को रिमूव किया जाता है इस कंडीशन को बोलते हैं सरकम सेशन सरकम सेशन इज द रिमूवल ऑफ द स्किन ऑफ द पिनस सो यहां पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में